माइनक्राफ्ट नेम बहुत अच्छा है ना। तो इस गेम को ऑब्वियसली 10 साल हो गए हैं एंड इस गेम की एनिवर्सरी है। एंड अभी ये गेम जो है गूगल ट्रेंड्स पे भाई सर्च में बहुत ज्यादा टॉप पे चल रहा है, उसके साथ ही साथ भाई यूट्यूब पर भी। एंड आज के दिन हम भाई कुछ थ्योरी वाली चीज स्टार्ट कर रहे हैं इस गेम के साथ। एंड हम बात करेंगे आज के दिन एंडरमैन के बारे में, वो भी माइनक्राफ्ट के अंदर एंडरमैन, जिसको काफी लोग स्लेंडरमैन का भाई भी बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो कौन है ये एंडरमैन, इसकी बैक स्टोरी क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये वीडियो जरूर से देखनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन हम पूरे पड़ताल करेंगे भाई इस एंडरमैन की। तुम सबको बताएगी भाई एंडरमैन की सबसे खासी चीज तो यही है कि भाई हमारी गेम की जो तो मेन कैरेक्टर है ना, उनके साथ भाई एंडरमैन भी भाई ये ब्लॉक्स को उठा सकता है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि भाई एंडरमैन है क्या, क्या ये कोई एलियन है, क्या ये कोई गोस्ट है, या ये भाई कौन है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ना ये एलियन ना गोस्ट कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली में एक ह्यूमन है जो कि भाई एंडर ड्रैगन का स्लेव है, तुम लोगों को कैसा लगेगा भाई। और एक्चुअली ये एक डिसीज से सफर करता है जिसको हम कहते हैं पर्पल ग्लो, जिसको हम TPG भी बोल सकते हैं या PG भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह लो। एंड भाई ये एक न्यूट्रल मूव है, यानी भाई ये आपको मारेगा नहीं जब तक भाई तुम परेशानी ना कर दो इसको। एंड हम ये भी जानते हैं कि भाई एंडरमैन जो है वो टॉक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम ये खुद सुन लो। एंड एंडर आई का मतलब है भाई वो चाबी जिससे आप पोर्टल खोलते हैं, जिससे आप गेम के सबसे बड़े फाइनल बॉस से फाइट करेंगे, जो कि है एंडर ड्रैगन। तो काफी कुछ सिमिलर चीजें हैं एक एंडरमैन एक ह्यूमन के अंदर इन माइनक्राफ्ट, जैसे कि बोथ न्यूट्रल है, दोनों लोग ब्लॉक्स को मूव कर सकते हैं, दोनों की अपनी खुद की एक लैंग्वेज है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई जो एंडरमैन है वो एक्चुअली में एक ह्यूमन ही है। एंड एक्चुअली में ये एक डिसीज से सफर करता है जो कि है पर्पल ग्लो, इसकी वजह से इसकी जो आईज है ना वो पर्पल ग्लो होती है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि फिर भाई आप एंडरमैन बनते कैसे हो, तो इसके ऊपर भी एक थ्योरी है जहां पे ये बताया गया है कि भाई एंडरमैन अगर आपको काट लेता है तो भाई आप एंडरमैन बन जाते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एंडरमैन के पास कुछ सुपर पावर्स भी हैं या कुछ अलग अलग चीजें भी हैं, जैसे कि है एक अबनॉर्मल स्पीड। अब काफी लोग को ये लगता है कि भाई एंडरमैन टेलीपोर्ट होता है, लेकिन एक्चुअली में एंडरमैन कभी टेलीपोर्ट नहीं होता है, उसके पास एक सुपर स्पीड होती है। एंड यहाँ पर आप एक थ्योरी देख रहे हो एक फैन की, जिसका मानना ये है कि भाई जो एंडरमैन है वो एक्चुअली किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ह्यूमन को एंडरमैन ने काट लिया, जिसकी वजह से वो भी एक एंडरमैन बन गया। एंड अब भाई वो एक स्लेव है एंडर ड्रैगन का, एंड उसका पूरा जो लाइक मालिक जो है वो अभी एक एंडर ड्रैगन है, तो उसके पास उसका खुद का कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है। एंड उसकी जो पर्पल आईज है ना, ये चाबी है आपके पोर्टल को खोलने के लिए। तो ये एक छोटी सी थ्योरी थी एक फैन की एंडरमैन की। बट अगर हम गेम के एंड की बात करें तो आपको पता होगा कि भाई द एंड में भाई जहां पे एंडरमैन का बल्ट है वहां पर आपको बहुत ज्यादा लूट देखने के लिए मिलती है, बहुत ज्यादा चेस देखने के लिए मिलते हैं। बट यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये सारी चीजें तो एंडरमैन की किसी काम की है ही नहीं। एंडरमैन ना सॉर्ड का यूज करता है, ना ही ये एनिमल्स को राइड कर सकता है। इंस्टेड इस द एंड मैप के अंदर जो कि एंडरमैन का बल्ट है वहां पर कोई एनिमल ही नहीं है। अब हमको पता है कि भाई जो एंडरमैन है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक को उठा सकता है, लेकिन वो भाई इन चेस्ट को नहीं उठा सकता है, इन तलवार को नहीं चला सकता है। तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि जो एंडर बल्ड है ना, उसको एंडरमैन ने नहीं किसी और ने बनाया है, और वो किसी और के लिए बनाया गया है, लेकिन वो कौन है और किसने बनाया है। जब आप अपना न्यू बल्ड बनाते हो ना, तो आपको भाई बहुत सारे नए नए मॉन्यूमेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि बल्ड में पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो कहाँ से आए। अब आपको पता है कि भाई गेम के अंदर इस बल्ड के अंदर आप ही अकेले हो जो कि बिल्ड कर सकते हो, तो फिर भाई ये मॉन्यूमेंट्स ने किसने बनाया है। एंड सबसे बड़ी चीज तो पता है क्या है, अगर आप इन मॉन्यूमेंट्स के पास जाते हो ना, तो इनके अंदर ऑलरेडी एक ट्रैप बने हुए होते हैं जो कि लाइक आपको मार देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई ये क्या वही स्पीसीज है जिसने एंडरमैन का जो बल्ड है ना उसको बनाया है, लेकिन वो गए कहां पर, ये भी एक क्वेश्चन आता है।
तो यहाँ पर भी एक थ्योरी आती है कि भाई हमारे वर्ल्ड से पहले भी यहाँ पे कुछ लोग रहते जिन्होंने एक पोर्टल बनाया एंड उस पोर्टल के जरिए वो द एंड पे पहुंचे जहाँ पे एंडर ड्रैगन रहता है एंड उसके साथ वो इससे पहले जो इस वर्ल्ड में वो उन्होंने चीजें रखी थी ना वो अपने साथ ले गए जो कि हमें वहां पर लूट में देखने के लिए मिलती है और उन्होंने द एंडर ड्रैगन को हरा नहीं पाया कॉज अगर आप एंडर ड्रैगन को हरा नहीं पाएंगे तो आप वहां पर ही रह जाएंगे आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे एंड ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ उन्होंने एंडर ड्रैगन को हरा नहीं पाया एंड वो वहां पर ही बस के उसके बाद उनको एक डिसीज लग गई जिसका नाम है पर्पल ग्लो एंड उस पर्पल ग्लो के जरिए वो बन गए एंडरमैन एंड उसके बाद उनमें से कुछ एंडरमैन जो हैं वो हमारे वर्ल्ड में वापस आ गए जो कि हमारा था वर्ल्ड है टेलीपोर्ट करते हुए एंड वो हमें हमारे मैप के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। सो या गाइस दिस वाज द स्टोरी ऑफ एंडरमैन इन माइनक्राफ्ट। होप सो गाइस आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कुछ अपनी थ्योरीज बताओ, आप कुछ जानना चाहते हो माइनक्राफ्ट के बारे में वो भी आप मेरे को बताओ, जिसको आपको एक अलग से थ्योरी चाहिए है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बट आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपके एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम पीस आउट।